देखिए, ठंड सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं सता रही बल्कि बेजुबान जानवर भी ठंड का सितम झेल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ और वाराणसी के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। हीटर से लेकर गर्म कपड़ों और गर्म तासीर वाले खानों की व्यवस्था वहां पर की गई है। गिरते हुए पारे ने इंसान तो क्या, पशु पक्षियों और जानवरों की चहल पहल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जू घूमने आ रहे सैलानी जानवरों को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से ये बेजुबा भी मानो नजरें चुरा कर अपने घरौंदों में सिमटे रहना चाहते हैं। अजगर को देखिए कैसे हीटर की गर्मी से सुकून की सांसें ले रहा है। लखनऊ के वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में जू प्रशासन ने सभी जानवरों और पशु पक्षियों के लिए हीटर और गर्म कपड़ों का प्रबंध किया है ताकि सभी बेजुबान ठंड के टॉर्चर से खुद को महफूज रख सकें। जहाँ पे आवश्यकता अनुसार वहाँ के चिकित्सक जो जू के होते हैं या वहाँ के जो स्टाफ है वो जहाँ बतलाता है वहाँ पर हीटर आदि का इंतजाम किया गया है। कुछ जगहों पे कंबल तक रखे गए हैं ताकि जानवर बैठना चाहे तो कंबल पे बैठ सकता है। लखनऊ ही नहीं, वाराणसी के सारनाथ चिड़ियाघर में भी कुछ ऐसा ही प्रबंध किया गया है। भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए सारनाथ चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्म तासीर वाला भोजन का सेवन कराया जा रहा है, साथ ही उनके लिए नेट और पुआल की व्यवस्था भी की गई है। जानवरों में गर्मी की तासीर बनी रहे इसलिए वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए भोजन में गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना के साथ गुड़ में अजवाइन मिलाकर दिया जा रहा है। खाने में उनको गर्म फूड्स दिया जाता है, जैसे इस समय गुड़ हुआ अजवाइन के साथ मिलाकर के दिया जा रहा है। और क्या क्या व्यवस्था इनके लिए की जा रही है? बाजरा हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ। और गर्मी के लिए इनको क्या? गर्मी के लिए इनको पुआल बिछा दिया गया है जिससे कि ये मतलब अपना बचाव कर सके बैठ करके। सर्द मौसम ने सभी को परेशान कर रखा है, ऐसे में जू प्रशासन के ऐसे प्रयास से ठंडे की मार झेल रहे बेजुबानों को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।